आपका राउंड आज कैसा था? कुल मिला के बहुत अच्छा था आज का राउंड तो, मतलब काफ़ी टफ़ कंडीशन थी आज, और इस कोर्स पे वैसे भी काफ़ी टफ़ कंडीशन होती है, और साल का पहला मैच है बेसिकली, और काफ़ी आज कॉन्फिडेंस मिलता है इससे काफ़ी। और अब कल भी ठीक खेला मैं, कल 6 बर्डी मारी, कल गलतियाँ ज़्यादा करी, काफ़ी बोगी मारी, पर आज जैसे स्टार्ट हुआ मेरा आई एम हैप्पी। ओके, और गोइंग इन टू वीकेंड, मतलब अभी वीकेंड में जा रहे हैं हम, तो उसमें आप कंटेंशन में हो? हाँ, वीकेंड नो डाउट, वीकेंड मतलब इजी नहीं रहेगा आगे भी, दो राउंड आगे तो ऐसे ही खेलने पड़ेंगे, मतलब फेयरवे ग्रीन्स है ना मेरा पहला टारगेट होगा, उसके बाद पटिंग यहाँ टाइट है, मतलब इतना इजी नहीं है, अगर पटिंग अच्छी करूँगा तो मतलब फिर और बेटर स्कोर हो सकता है यहाँ पर। ओके, और आपकी आखिरी विन, लास्ट विन कब थी? नहीं, मेरी विन नहीं रही, काफ़ी बार मैंने सेकेंड मारे हैं, 8 और 9 टाइम मैंने सेकेंड फिनिश किया है, बट अब जो चीज़ मेरी कमी थी वो थोड़ी मैंने काफ़ी इम्प्रूव करी है, थोड़ी मेरी शॉर्ट गेम में कमी थी, तो लास्ट 5-6 मंथ में काफ़ी उस पर काम करके उस काफ़ी इम्प्रूव किया है मैंने, और अभी उस पर काफ़ी हेल्प हो रहा है मुझे, और इवन जो लास्ट के जो सीज़न ख़त्म हुआ उसमें मेरे जो 5-7 मैच एंड के मैच थे उसमें मैंने काफ़ी अच्छा फिनिश किया स्कोर, मतलब 14 अंडर बेस्ट स्कोर रहा मेरा इन पंचकूला, उसके बाद 8 अंडर 9 अंडर 10 अंडर मैंने काफ़ी मैचों में मारा, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस लेके आया हूँ मैं। अब फर्स्ट टूर्नामेंट था तो स्टार्ट तो मैंने ऐसे ही किया था कि थोड़ा सा वैसे ही मोमेंटम बरकरार हो, पर काफ़ी अच्छा शुरू हुआ, नॉट बैड। और ये गोल्फ कोर्स कैसा है? अच्छी भी डिफ़िकल्ट है? गोल्फ कोर्स तो वन ऑफ द टफेस्ट गोल्फ कोर्स है ये, और हवा जब चलती है तो ये और टफ हो जाता है, अदरवाइज फिर भी ठीक है। और फिनिशिंग होल जो है ना यहाँ इस कोर्स पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फिनिशिंग होल 13, 14, 15, 16 ये सारे फिनिशिंग होल बहुत टाइट हैं, इवन 18 होल्स, तो कुल मिला के अच्छा रहा सर, आई एम हैप्पी विद। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द वीकेंड। थैंक यू सो मच।